अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू ज़ीशान मिर्ज़ा टेक यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा आप लोग किस तरह से टिकटॉक के ऊपर अपनी ड्राफ्ट वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ड्राफ्ट वीडियोस के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास वहां पर किसी भी किस्म का डाउनलोड ऑप्शन नहीं आता। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम प्रोसीजर करके बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह से ड्राफ्ट वीडियोस को डाउनलोड करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस करके आर सेलेक्ट कर लें ताकि इससे रिलेटेड मजीद वीडियोस आपको मिलते रहें। तो गाइज, टिकटॉक के ऊपर ड्राफ्ट वीडियोस अपलोड करने के बाद अगर आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा तो सिंपली मैं यहां पर आप लोगों को ड्राफ्ट ऑप्शन के जरिए वीडियोस को डाउनलोड करके दिखाऊंगा। तो सिंपली मैं यहां से टिकटॉक एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं। टिकटॉक एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहां पर मैं सबसे पहले प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद कोई अपनी एक वीडियो वो यहां से अपलोड कर देता हूं। तो वीडियो मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर देखें हमारे पास ये ऑप्शंस आ चुके हैं। तो आप लोग ने नेक्स्ट के ऊपर दोबारा से क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट के ऊपर दोबारा से क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से ऑप्शन आ रहे हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखें कि आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा तो यहाँ पर मैं सिंपली ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और ये हमारे वीडियो ड्राफ्ट में सेव हो चुके हैं। अब मैं मी के ऊपर क्लिक करता हूँ। मी के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें ड्राफ्ट के ऊपर मेरे पास दो वीडियोस आ रही हैं। तो यहाँ पर भी मेरे पास डाउनलोड का कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा तो सिंपली मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले जो काम करना है वो ये है कि हु कैन व्यू दिस वीडियो। तो आप लोगों ने पब्लिक की बजाय इसको प्राइवेट कर देना है। प्राइवेट करने का फ़ायदा ये होगा कि आपकी वीडियो आपकी प्रोफाइल के अंदर सेव रहेगी और आप जब चाहें उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और जब चाहें उसको पब्लिक कर सकते हैं। तो सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर इसको प्राइवेट करने के बाद पोस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और ये आपकी जो वीडियो होगी वो चंद सेकंड्स के अंदर जैसे आपका इंटरनेट स्पीड फास्ट होगी तो इसी तरह से वीडियोज़ आपकी अपलोड हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरी वीडियो है वो पब्लिक नहीं है तो मैंने वीडियो को प्राइवेट कर रखा। तो यहाँ पर देखें मेरे पास वो वीडियो प्राइवेट में आ चुकी है। तो सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर प्राइवेट वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों ने थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप देखें सेव वीडियो, तो आप लोगों ने सेव वीडियो के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपकी वीडियो आपके ही अकाउंट के जरिए आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी और आपके पास जो टिकटॉक के ऊपर वो अपलोड भी नहीं होगी। तो इस तरह से आप लोग ड्राफ्ट वाली वीडियोस को प्राइवेट करके सेव कर सकते हैं, उनको टिकटॉक के ऊपर अपलोड भी कर सकते हैं, अगर आप जब चाहें उनको पब्लिक भी कर सकते हैं। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको तरीकेकार समझ में आ गया होगा आप लोगों ने किस तरह से ड्राफ्ट वीडियोस को डाउनलोड करना है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप लोग इससे रिलेटेड मजीद कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस करके आर सेलेक्ट कर लें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।